यानी रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड किसे दे रहा है? पुलिस को दे रहा है, जिसके बेसिस पे पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रही है। और जैसे ही उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है, ही इज गोइंग बैक फ्रॉम हिज ओरिजिनल वर्ड्स, राइट। तो जब एक्यूज्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने देता है और वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, तो इस पर्टिकुलर कन्फेशन को हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन के बारे में बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि हम कन्फेशन के टाइप्स को तीन फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने ये जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ कन्फेशन। पहला एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, दूसरा इनकल्पेटरी कन्फेशन। इन दोनों टाइप्स ऑफ कन्फेशन को हमने डिटेल में समझा। आज हम कन्फेशन के दूसरे फॉर्म विच इज इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड। एक्यूज्ड कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है किसी पर्सन के सामने, अब वो तो कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड, इस पर्टिकुलर बेसिस पे हम कन्फेशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। देखो, बेसिकली जो एक्यूज्ड है, हु इज चार्ज्ड विथ ऑफेंसेस, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने दे सकता है, बिफोर द कोर्ट, या मजिस्ट्रेट के सामने दे सकता है, बिफोर मजिस्ट्रेट, बिफोर पुलिस, या बिफोर हिज रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड या फैमिली के सामने। तो जब एक्यूज्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने देता है और वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, तो इस पर्टिकुलर कन्फेशन को हम कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। राइट, तो जुडिशियल कन्फेशन ऐसे कन्फेशंस होते हैं विच आर मेड बाई एक्यूज्ड बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, राइट। तो जब एक्यूज्ड अपने ऊपर लगे एलिगेशंस के रिलेशन में किसी फैक्ट को एडमिट करता है कन्फेशन के माध्यम से बिफोर द कोर्ट एंड बिफोर मजिस्ट्रेट, तो वो कहलाता है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन को हम गुड पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं और इसके बेसिस पे एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट वो देगा बिफोर कोर्ट एंड बिफोर मजिस्ट्रेट, वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए, वो उसे क्रिमिनलाइज करता हो, ठीक है। तो ये है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन आर दोज कन्फेशंस विच आर मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट
or court in due course of legal proceedings. Confessional statement made by accused before court or magistrate is a good piece of evidence, and accused can be convicted on the basis of it, right? So confession in front of person to whom it is made में सबसे पहले आएगा judicial confession, दूसरा extra judicial confession. देखो, extra judicial confession are those confessions, ये वो confessions होते हैं which are made by accused elsewhere before magistrate or court. तो जब accused magistrate या court के अलावा किसी other person के सामने confessional statement देता है तो वो कहलाता है extra judicial confession. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कन्फेशन मेड टू पुलिस भी आता है, यानी पुलिस के सामने अगर एक्यूज्ड कन्फेशन करता है तो उसे रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, राइट? एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन और पुलिस और टू बॉडी ऑफ पर्सन्स, राइट? इसी में हमारा आता है Retracted confession. देखो, retracted confession को आप यूं याद रख सकते हो कि retracted confession means to change the track, to change the original track, which means, देखो, retracted confession में accused पहले किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के रिगार्ड में कन्फेशन करता है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर उसके उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर उसे प्रोड्यूस करता है बिफोर मजिस्ट्रेट. लेकिन जैसे ही एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो वो अपने प्रायर गिवन कन्फेशनल स्टेटमेंट से मुकर जाता है, चेंज कर लेता है उसे, यानी गोइंग बैक फ्रॉम द कन्फेशन गिवन अर्लियर. तो ये कहलाता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन. यानी रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यहां पे कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड किसे दे रहा है? पुलिस को दे रहा है, जिसके बेसिस पे पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर रही है. और जैसे ही उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है, ही इज गोइंग बैक फ्रॉम हिज ओरिजिनल वर्ड्स, राइट? तो इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड में तीन तरह के कन्फेशन होते हैं. कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट नोन एज जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और तीसरा रिट्रैक्टेड कन्फेशन, राइट? अब देखो, हमारे पास एक केस है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो एक साउंड पोटेंट एविडेंस है. यानी रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन सेंसिबल बट स्ट्रॉन्ग एविडेंस के दायरे में आता है, ऑन विच यू कैन डिपेंड, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि इट विल गिव गुड रिजल्ट, कि ये हमें अच्छा रिजल्ट देगा. लेकिन इट नीड्स कोरोबोरेशन by independent evidences,
ठीक है, द कोर्ट शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ, कोर्ट को रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे अपने आप को सेटिस्फाई कराना होगा कि जो भी इम्प्यूटेड कन्फेशन दिया गया है, यानी एक्यूज ने जो भी कन्फेशन दिया है वो ट्रू है और इंडिपेंडेंट है और वॉलेंट्रीली दिया गया है। वो डज इट मीन, चलिए समझते हैं। देखो, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, क्योंकि रिट्रैक्टेड कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के ही दायरे में आएगा, तो ये जो रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है ये एक साउंड पोटेंट एविडेंस है। पोटेंट का मीन्स, पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सेंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हो, जिसपे आप रिलाई कर सकते हो कि ये हमें गुड रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो रिट्रैक्टेड कन्फेशंस हैं, यानी पुलिस को आपने पहले कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया और बाद में आप अपने ट्रैक से चेंज हो जाते हो, तो ये जो एविडेंसेस हैं इट नीड्स कोरोबोरेशन विथ अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, इन्हें हमें दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कनेक्ट करके देखना है, इनके ऑथेंटिसिटी को, इनके वेरासिटी को दूसरे इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से कनेक्ट करके देखना है कि ये कितने ट्रूथफुल हैं। कोर्ट को अपने आप को सेटिस्फाई कराना है कि जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया गया था एक्यूज्ड के द्वारा वो वॉलेंट्रीली दिया गया था, वो ट्रू था, राइट right? तो ये है सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी इसमें आप कह सकते हो कि रिट्रैक्टेड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर साउंड पोटेंट एविडेंस, विच मीन्स सेंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, बट इट नीड्स कोरोबोरेशन विथ अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस। कोर्ट शुड सेटिस्फाई इट्सेल्फ, कोर्ट शुड सेटिस्फाई इट्सेल्फ दैट इम्प्यूटेड कन्फेशन आर ट्रू, इंडिपेंडेंट एंड वॉलंटरीली, राइट। अब देखो एक और हमारे पास केस है, विच इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भगवान सिंह।
स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भगवान सिंह, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भगवान सिंह। ये सभी केसेस आपके बैरक में दिए गए हैं, ठीक है। देखो इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक पीस ऑफ एविडेंस है एंड इट मस्ट बी रिसीव्ड विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। इट कैन बी रिलाइड अपॉन ओनली व्हेन इट इज क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कन्विंसिंग। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे हम रिलाई तभी कर सकते हैं जब वो क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो और कन्विंसिंग हो, यानी विश्वास करने लायक हो। द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर द पर्सन बिफोर होम इट इज मेड इज ट्रस्टवर्दी विटनेस। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विच मीन्स कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन अदर देन कोर्ट और मजिस्ट्रेट, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना गया है, इसे वीक पीस ऑफ एविडेंस माना गया है और इट मस्ट बी रिसीव्ड विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्लियर है, कंसिस्टेंट है, कन्विंसिंग है, तभी हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, इसे एविडेंस के तौर पे मान सकते हैं। और दूसरी बात, जिस पर्सन के सामने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया गया है वो ट्रस्टवर्दी विटनेस होना चाहिए, राइट। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन के क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, देखो। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का स्टेटमेंट कन्फेशन तब माना जाएगा इफ इट फुलफिल्स आइदर ऑफ टू कंडीशंस, यदि उसका स्टेटमेंट दो कंडीशंस को फुलफिल करता हो। पहला, इफ ही स्टेट्स दैट, यदि वो ये कहता है कि ही कमिटेड द क्राइम, कि उसी ने क्राइम किया है, विथ विच ही इज चार्ज्ड, जो भी एलिगेशंस, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, अक्यूज्ड अगर ये कहता है कि उसी ने क्राइम कमिट किया है, उन्हीं ऑफेंसेस के रिगार्ड में जिनका चार्जेस उसके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा, वो क्लियरली ये नहीं कहता है कि उसी ने क्राइम किया है, लेकिन उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट 100% था उस पर्टिकुलर क्राइम में, राइट। तो देयर आर टू एसेंशियल्स ऑफ कन्फेशन। पहला, इफ ही स्टेट्स दैट, इफ ही मींस अक्यूज्ड स्टेट्स दैट ही कमिटेड क्राइम, With which he is charged. और दूसरा, he does not clearly admit to have committed the crime, yet from his statement inference may be drawn regarding his involvement. राइट, तो ये था
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन और दो केस लॉज, सखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भगवान सिंह। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कन्फेशन को समझेंगे, कुछ केस लॉज को देखेंगे और सेक्शन 24 को, अब कन्फेशन के जितने भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को हम समझेंगे। अब तक हमने कन्फेशन के कंसेप्ट को डिटेल में समझ लिया है। आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कन्फेशन को लेकर के, ठीक है। चलिए,